Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. माँ दुर्गा के नौ रूपों में अपने भक्तों का कल्याण कर उनके सारे संकट हर लेती है। इस बात का जीता जागता प्रमाण है संसार में उपलब्ध वे औषधियां जिन्हें माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जाना जाता है। नौ दुर्गा के नौ औषधि स्वरूपों को सर्वप्रथम मार्कांड्य चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया है। चिकित्सा प्रणाली का यह रहस्य वास्तव में ब्रह्मा जी ने दिया था, जिसके बारे में दुर्गा कवच में संदर्भ मिलता है। ये औषधियां समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली है। शरीर की रक्षा कवच समान कार्य करती है। इनके प्रयोग से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष जी सकता है। आइए जानते हैं दिव्य गुण वाली नौ औषधियों को जिन्हें नव दुर्गा कहा गया है। प्रथम शैलपुत्री यानी हरण। नव दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री माना गया है। कई प्रकार के समस्याओं में काम आने वाली औषधि हरण हेमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। ये आयुर्वेद की प्रधान औषधि है, जो 7 प्रकार की होती है। इसे हरिति का भय को हरने वाला कहा गया है। पथ्या, जो हीत करने वाली है। कायस्थ, जो शरीर बनाए रखने वाली है। अमृता, अमृत के समान। हेमवती, हिमालय पर होने वाली। चेतक, चीत को प्रसन्न करने वाली। श्रेयसी यानी शिवा यानी कल्याण करने वाली। द्वितीय है ब्रह्मचारिणी यानी ब्राह्मी। ब्राह्मी नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ये आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने वाली और स्वर को मधुर करने वाली है। इसलिए ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है। ये एक मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है और गैस मूत्र संबंधित रोगों की प्रमुख दवा है। ये मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। नर दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। इसे चंद्रसूर या चमसूर कहा गया है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिया के समान है। इसे पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है, जो लाभदायक होता है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है। अतः इससे बीमारी से संबंधित रोग को चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। नव दुर्गा का चौथा रूप है कुष्मांडा। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हाड़ा भी कहते हैं, जो पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक और रक्त से विकार को ठीक कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह अमृत समान है। यह शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुम्हाड़ा रक्तपीत और गैस को दूर करता है। इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को पेठा का उपयोग के साथ कुष्मांडा देवी की आराधना करनी चाहिए। नव दुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता है, जिन्हें पार्वती एवं उमा भी कहते हैं। यह औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान होता है। यह वात पीत कफ रोगों की नाशक औषधि है और यह बेहद ही गुणकारी भी होता है।